अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मैं आतफ अली आज आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 20 लेकर और सीएसएस का लेक्चर नंबर 3 लेकर। आज के लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इंटरनल सीएसएस में रहते हुए किस तरह टेक्स्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सटर्नल सीएसएस का फ़ायदा बताया था कि किस तरह ये हमको फ़ायदा देती है। तो आज के जो लेक्चर है इसमें बेसिकली मैं आपको इंटरनल सीएस में काम करूँगा। एक्सटर्नल और इंटरनल बेसिकली है एक एक्सटर्नल का मतलब आपको अलग से एक सीएसएस की फ़ाइल बनानी पड़ती है, लेकिन इंटरनल में आप उसी फाइल के अंदर ही रहते हुए सारी कोडिंग कर सकते हैं। तो फ़र्क कोई नहीं, बस कोडिंग भी बिल्कुल सेम ही होती है। तो आज मैं आपको यह बताऊँगा कि आप इंटरनल सीएसएस में रहते हुए किस तरह जो फॉन्ट है जो टैक्स होता है उनकी कुछ लिखा हुआ वेबसाइट के ऊपर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलें जी बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ये सीएसएस वाला फोल्डर ओपन करेंगे। चलें जी इसको ओपन करते हैं। इसमें ये हमारी स्टार्ट सीएसएस की एक फ़ाइल पड़ी हुई थी, तो इधर मैं एक न्यू फाइल आज क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए पहले ये नोट पैड प्लस प्लस ओपन करना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें आपने एक लहदा से फाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल बिल्कुल आपने एक क्रिएट करनी है। तो कीप दिस फाइल यस, इसको यस मैं कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कंट्रोल एन, एक न्यू फाइल मैं कंट्रोल कर क्रिएट करता हूँ। इसमें पहले आपने वो बेसिकली जो कोडिंग होती है एचटीएमएल की वो कर लेनी है, जो यूज़ होती है हर वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। तो चलें जी वो मैं इसमें कोडिंग कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये बेसिक कोडिंग थी, ये करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। सेव आपने जिधर मर्ज़ी कर लें, डेस्कटॉप पे कर लें या जिधर मर्ज़ी कर लें। मैं इसको इसी के साथ सेव करता हूँ और मैं इसका नाम देता हूँ abc.html। ये आपको बताया हुआ है कि साथ उसकी फ़ाइल की टाइप देना मस्ट होता है। सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद दिस फाइल इज़ ऑलरेडी ओपन इन दी नोट पैड, ओके करता हूँ। और ये देखें एक पहले इस नाम से फाइल सेव हुई हुई है अपन। तो मैं इसको कंट्रोल एस करके किसी और नाम से सेव कर लेता हूँ। चलें जी मैं इसका नाम abcd.html, ठीक हो गया आप? ठीक हो गया, ये हो गई हमारी सेव। अब यहाँ पे आपने पहले तो एक ये काम करना है, इस बॉडी में आपने हमेशा, हमको पता है जो भी काम करना होता है इस बॉडी के सेक्शन के अंदर रह करना होता है, इसके बाहर नहीं करना होता। चलिए पहले इसमें मैं एक यहाँ पे पी का टैग लगाता हूँ और इसको मैं क्लोज भी नीचे कर लेता हूँ। इस पी को क्लोज़ भी कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, पी क्लोज़ भी कर दिया। अब इसके अंदर आपने कुछ टेक्स्ट टाइप करना है, तो कहीं से भी आप कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पर टाइप करना है या खुद से भी आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपने इसको कंट्रोल एस करके सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करके दफ़ा, ये देखें abcd के नाम से एक फ़ाइल बनी है। इसको मैं अब गूगल क्रोम में ओपन करता हूँ और इसका आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या हमने अभी तक काम किया है। जो हमने काम किया वो हमें सारा कुछ नज़र आ जाएगा। तो चलें ये फ़ाइल गूगल क्रोम में ओपन होने वाली है, थोड़ी लोडिंग लेगी। ये फ़ाइल गूगल क्रोम में ओपन हो चुकी है, ये आपको नज़र भी आ रही होगी। अब हमें इसमें ये लिखा होगा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको कंट्रोल, इसके जो कंट्रोल है वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो चलें फिर आप चलते हैं अपने नोट पैड प्लस प्लस में। इधर पहले आपको मैंने बताया हुआ है कि इंटरनल सीएस में अगर काम हो तो यहाँ पे पहले हेड के सेक्शन के अंदर, बॉडी के ऊपर नहीं, इस हेड के अंदर ही, ये जो हेड वाला टैग है इसके अंदर ही, अगर यहाँ पर नहीं काम करना, ये इस हेड को नीचे कर लेना है, इस हेड वाले को नीचे कर लेना और इसमें रहते हुए आपने काम करना है इंटरनल सीएसएस का, बॉडी के ऊपर नहीं करना, ठीक हो गया? तो मैं यहाँ पे इसको भी आपने ध्यान रखना है कि इस बॉडी के ऊपर नहीं करना, इस हेड के ऊपर आपने काम करना है। ये जो हेड है इसके अंदर रहते हुए, जिसके अंदर ये टाइटल लगाया हुआ है, इसके अंदर आपने, चलें यहाँ पर मैं स्टाइल का वो टैग लगा लेता हूँ जो बेसिकली सी इंटरनल सीएसएस को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको कंट्रोल भी नीचे, क्लोज भी मैं नीचे कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद ये देखें कंट्रोल भी हो गया। अब ये कुछ मैंने पहले से किए हुए हैं ताकि वक्त की बचत हो सके। चलें जी ये पहले आता है बैकग्राउंड कलर। चलें जी मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और आप देखिए आप इसका क्या हमें रिजल्ट नज़र आता है। F5 किया तो F5 किया तो ये नहीं अमल हुआ। एक मिनट आप बताता हूँ मैं किस वजह से ये अमल नहीं हुआ, ठीक है? वो इस वजह से नहीं हुआ कि हमने वो जो छोटी छोटी ब्रैकेट्स होती हैं जो आपको बताया हुआ था वो नहीं लगाई, ये वाली देखिए ना, इधर लगाई है और ना ही इसके यहाँ पे
बात लगाई। मैंने आपको बताया था कि जितना भी काम करना है ये ब्रैकेट लगा के इनके अंदर रहते हुए काम करना है, इनके बगैर आप अगर कोई भी काम करेंगे तो वो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ये देखें, नहीं लगाई तो नहीं, उसने अमल किया है। अब देखें, अब FIR किया तो ये देखें, अब भी नहीं कलर ब्लैक हो रहा। आई थिंक कलर BL बैकग्राउंड मैनेज कलर है। हाँ, अब हमने क्या गलत की या वो भी मैं आपको अब बताता हूँ कि हमने अब क्या गलती की। अब आप देखें, हमने इसके ऊपर इसको बताया ही नहीं कि हमने ये जो इंटरनल CSS की कोडिंग इम्प्लीमेंट करनी है किसके अंदर करनी है। तो ये देखिए, हमने इधर इसको बताना था कि जिधर भी हमारा पैराग्राफ हो उसके उसके अंदर आपने ये पी लिखना था और कंट्रोल एस करना था। और अब आप देखें इसका F5 करें तो ये देखें ठीक हो गया। हम जस्ट पी लिखा, बैकग्राउंड कलर वाइट ही है, लेकिन जो पैराग्राफ के नीचे कलर था वो ब्लैक हो गया, मुकम्मल ब्लैक हो गया। अब इसका मैं जो फॉन्ट है उसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो उसके लिए ये जस्ट कलर यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो ये Ctrl C किया और इसमें आके मैंने Ctrl V करके Ctrl S किया। तो आप देखें, आपका F5 किया तो ये देखें उसका कलर येलो हो गया। थोड़ा मैं इसकी जूमिंग कर लेता हूँ ताकि थोड़ा नज़र आ जाए। ये देखें ठीक हो गया, कलर इसका येलो हो गया। अब अगला अगला काम इसका ये है कि ये फॉन्ट माइनस वेट जो लिखा हुआ है ये है बोल्ड। ये होता है किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, इतने दिन अगर लेक्चर अटेंड करते आ रहे हैं पीछे से, तो ये देखें टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड हो गया, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इससे अगला काम होता है फॉन्ट मैंने स्टाइल्स के, दो स्टाइल, एक डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है और दूसरा अटालिक होता है। चलिए मैं दोनों कॉपी करता हूँ और दोनों यहाँ पे पेस्ट करके आपको Ctrl V। देखें पहले नॉर्मल है, नॉर्मल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट में नॉर्मल लगा होता है। देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ, क्यों नहीं पड़ा, क्यों, डिफ़ॉल्ट बाई डिफ़ॉल्ट नॉर्मल लगा हुआ है। तो वो बोल्ड हट गया, क्यों क्यों हटा, क्योंकि उसके बाद ये फॉन्ट स्टाइल अमल कर रहा है। तो इसको वैसे भी हमें बोल्ड की नहीं ज़रूरत हो, इस कलर रहने दे ठीक है। ये जो दो उल्टे से लाइनें ये इसलिए हैं कि कोडिंग लिखी हुई हो लेकिन कोडिंग अमल ना करे। कोडिंग लिखी हुई हो तो हो और कोडिंग अमल ना करे, तो ये इसलिए इस्तेमाल Ctrl S किया। तो आप ये देखें थोड़ा तिरछा सा हो गया होगा, आपको नज़र आ रहा है थोड़ा तिरछा हो गया। आप अगला काम हमें इस, ये देखें फॉन्ट साइज़, ये मैं पीछे बता चुका हूँ कि जितना आपने साइज़ बढ़ाना हो इसमें बढ़ा सकते हैं। ये CSS हमें सहूलत देती है कि आप जितना बड़ा साइज़ करना चाहें कर सकते हैं। Ctrl S किया तो ये आप देख भी लें, फिर दोबारा से देखें साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, ये भी ठीक हो गया। उससे आगे आता है फॉन्ट फैमिली, यानी कि ये इसके एंड टाइम न्यू रोमन हो गया, रावी हो गया, जियोर्जिया हो गया, ये आपको पीछे मैं बता चुका हूँ। आगे आता है फॉन्ट वेरिएंट, एक नॉर्मल होता है और एक होता है स्मॉल कैप्स। ये दोनों मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और दोनों आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल और लोकल्स में क्या फ़र्क है। Ctrl V किया, सॉरी Ctrl Z किया, Ctrl Z, और यहाँ से इनको Ctrl C करके कॉपी किया और यहाँ पे V करके पेस्ट कर दिया। फिलहाल मैं फॉन्ट का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि वो टैक्स हमें सही वाजह नज़र आए। और पहले नॉर्मल है तो Ctrl S करते हैं नॉर्मल। ये देखें बाई डिफ़ॉल्ट जो लगा हुआ है ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है। अब देखें आप ये फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स का क्या होगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ। Ctrl S किया और अब आप देखें F5 किया तो ये इसका ये होता है कि कोई भी एक लफ्ज़ है अगर उसका पहला वर्ड बड़ा है तो उसके अगले भी बड़े ही होंगे, लेकिन वो नज़र पहले से थोड़ा सा यानी कि छोटा सा नज़र आया है। तो ये बड़े ही अल्फाज, लेकिन जो पहला उसका वर्ड है वो बड़ा होगा और दूसरे छोटे होंगे। इस तरह कोई और यहाँ पे वैन का देखें, W थोड़ा बड़ा है लेकिन अगले भी छोटे हैं कैपिटल है, लेकिन अगले छोटे होंगे और पिछला पहला रफ बड़ा होगा। इस तरह ये ऑनलाइन का ये देखें और वीडियो का भी ये देखें नज़र आ रहा है थोड़ा मामूली सा ऊपर, देखें यहाँ से बड़ा है ठीक। ये तो ये हमें ये सहूलत देता है। इससे अगला काम आगे आ जाता है टैक्स लाइन जस्टिफाई, इसको पता है टैक्स लाइन राइट का भी आपको पता है, टैक्स सेंटर में करना हो सेंटर, टैक्स लाइन लेफ्ट से करना हो लेफ्ट से आ जाता है। आगे आ जाता है वाइट स्पेस व नो रैप और एक आ जाता है रैप। तो ये दोनों मैं कॉपी कर लेता हूँ और दोनों का आपको मैं फ़र्क समझा देता हूँ कि ये क्या आइटम्स अब आ गई हैं इसमें। Ctrl V किया, पहले मैं इसको भी छोड़ता हूँ और ऊपर वाले को नो रैप करता हूँ। नो रैप किया, Ctrl S किया तो ये देखें क्या हमें फ़र्क नज़र आता है। F5 किया, टैक्स सारा गैप नहीं हुआ, एक लाइन में आ गया। ये देखें एक लाइन में सारा टैक्स आ जाएगा, ये नो रैप से हुआ। ये देखें एक लाइन में टैक्स मुकम्मल चला जाएगा। ये आपको इसकी वजह से आप ये कर सकते हैं। अब अगर आप रैप करेंगे
कंट्रोल एस किया तो आप F5 करें तो ये देखें नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर वाली हमने कोडिंग क्लोज नहीं की। तो ये अब हम क्लोज़ करेंगे, अब कंट्रोल एस करेंगे, अब F5 करेंगे तो ये देखें वो दोबारा वापस अगली हालत में आ गया। तो इसका ये होता है, इससे आगे आ जाएं, आगे आप चले आगे आ जाता है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अंडरलाइन ये आपको पढ़ने से ही समझ आ गई होगी इन कंट्रोल के ये अंडरलाइन का क्या मतलब है। ये जितना भी टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन लगा देगा। कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया तो ये देखिए पूरे मुकम्मल, ये देखिए हर टेक्स्ट के नीचे एक लाइन अंडरलाइन हो गया है। जी पढ़ने से भी आपको समझ आ गई होगी। इससे आगे आ जाता है, आगे आ जाता है टैक्स ट्रांसफ़र कैपिटलाइज। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ये आपको मैं आप दिखाता हूँ। कंट्रोल सी किया और कंट्रोल यहाँ पे आके पेस्ट किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया, F5 किया तो ये देखें हर हर एक वर्ड का पहला उसने जो लेटर था उसको बड़ा कर दिया। ये टू का टी ई बड़ा कर दिया, एच लिप का एच बड़ा कर दिया। ये मैं आपको एक दफ़ा सही वाजिया दिखाता हूँ। ये ऊपर से इसको ख़त्म करके इसको मैं अकॉर्डिंग ये लिख ही रहे, लेकिन इसके ये दो कंट्रोल एस किया तो आपसे ये फ़र्क पता चलेगा। देखें ये हर आगे वाले ये छोटे हैं तो और पीछे वाला हर एक का पहला बड़ा हो चुका है जिधर जिधर भी देखें, ठीक है। इसका ये है, इसे आगे चलिए, आगे आप चलिए आगे। ये देखें टैक्स ट्रांसफर लोअर लोअर केस। अब ये आप देखें अब ये क्या करता है, कंट्रोल वी करें यहाँ पे और इसका देखें कि ये अब क्या आपको देता है। इसको यहाँ पे आप कोडिंग लिखी रहे लेकिन इसको हम ख़त्म करते हैं। तो अब आप इसका F5 करें तो ये देखें सारे वर्ड्स छोटी ABC में कन्वर्ट हो चुके हैं, नज़र आ रहे हैं छोटी ABC में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इस तरह ये आगे आ जाए, आगे आ जाता है टैक्स ट्रांसफार्म अपर केस। तो ये क्या करेगा, इसका भी आप देख लें, कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी यहाँ पे इसके अंदर ही रहते हुए कंट्रोल वी कर दें, कंट्रोल एस करें तो ये देखें F5 किया तो ये देखें सारे उसने बड़ी में कन्वर्ट कर दिए, नज़र आ रहा है। ये देखें सब के सब बड़े में हो चुके हैं। अगर ये एक स्मॉल कैप्स होता तो इसने सिर्फ एक को बड़ा करना था, अगर वाले भी होने बड़े ही बेचते लेकिन उससे थोड़े छोटे होने थे। तो ये दो डिफरेंट, इससे आगे ये टैक्स इंडेंट 250 पिक्सल, इसका भी अब आपको मैं फ़र्क देता हूँ कि ये क्या चीज़ न्यू एक आ गया है। कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे F5 किया तो ये देखें पहली पूरी लाइन ही उसने ये थोड़ा मैंने बड़ा किया, वैसे ही थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि ये देखें। इसका ये होता है कि जो पहली लाइन होती है उसके टेक्स्ट को थोड़ा आगे लेके चला जाता है। मैं थोड़ा और ज़्यादा कर लेता हूँ, 250 की जगह मैं 350 कर देता हूँ या 450 कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको फ़र्क नज़र आ जाए। F5 किया तो ये देखें और आगे चला गया। तो इस तरह आप अगर किसी टेक्स्ट की पहली लाइन को आगे लेके जाना तो वो इसके ज़रिए ले जा सकते हैं। इससे अगला आ जाता है, इससे अगला आ जाता है टैक्स डेकोरेशन ओवर लाइन। ओवर लाइन यानी कि ऊपर लाइन लग जाएगी, जो भी टैक्स लिखा है उसके ऊपर एक लाइन लग जाएगी। कंट्रोल सी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट करें तो ये भी आपको मैं दिखा दूँ। कंट्रोल एस किया तो F5 किया तो ये देखिए ऊपर लाइन लगी है। ये आप कहें कि नीचे नीचे नहीं, ये देखें ऊपर नज़र आ रही है। ये एंड पे मैं लेके जाता हूँ और देखें एंड वाले में ये हर एक के टैक्स के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, नीचे नहीं लगी हुई। इसी तरह आगे ये आ जाता है टैक्स डेकोरेशन लाइन, लाइन थ्रू यानी कि किसी टैक्स को दरमियान से कंट्रोल सी काटना हो तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। ये इसकी वजह से कंट्रोल वी करें, टैक्स के दरमियान में लाइन लग जाएगी। ये देखिए टैक्स कट गया है किस्म का, नज़र आ रहा है। तो इसी तरह इससे अगला आ जाता है टैक्स डेकोरेशन और अंडरलाइन, कि यह टैक्स के नीचे लाइन लग जाएगी। तो आज का लेक्चर में मैंने जितने भी टैक्स के कंट्रोल थे ये बेसिकली टैक्स के कंट्रोल है जो हमें CSS देती है, कि एक बस लिखने की वजह से हज इधर जिधर अमल हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद इस तरह के लेक्चर लेने के लिए। तो दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। मैं कल फिर आपके साथ हाज़िर होगा एक न्यू लेक्चर लेकर CSS का। तो ये बेसिकली 3-4 और लेक्चर ऐसे होंगे जिनमें मैं आपको मुकम्मल डिटेल इनकी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम मुकम्मल एक CSS की खूबसूरत सी वेबसाइट तैयार भी करेंगे और आपको उसका डेमो भी दिखाएंगे। ये वैसे मैंने की भी है थोड़ी सी, ये वेबसाइट तो नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा इसमें मैंने काम किया, ये सर्कल थोड़े बनाए हैं, ये अभी आपको दिखा दें कि ये मैं ज़्यादा
एक्सटर्नल में काम करता हूँ, आपको भी एक्सटर्नल में ही करवाऊँगा, क्योंकि इंटरनल में फिर पता समझ नहीं चलती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये देखें, ये भी इंशाल्लाह ये भी एक प्रोजेक्ट बनाया, तो इस तरह का प्रोजेक्ट मैं आपको भी बनवाऊँगा अगर ज़िंदगी रही तो। आप बस दुआ कीजिए कीजिएगा कि अल्लाह मुझे भी ज़िंदा रखे और आपको भी ज़िंदा रखे। तो आप मुझे इजाज़त दें, कल मैं फिर एक न्यू लेक्चर लेकर आऊँगा, तब तक आप यहाँ तक अपना काम रेडी करें और अपने पास सेव करें रेडी करके।